गायब हो गया। मिस एलिस, देखो जरा मैंने क्या बनाया है। कमाल है इवा, तुम्हें ग्रेट ए मिला है। ये तो मैं भी कर सकती हूँ। उप्स, मैं नहीं कर सकती ये। रुको, मैं कुछ सोचूंगी। ये बहुत बेहतर है। मिस एलिस, ये देखो। मैं तुम्हें ग्रेड बी दे रही हूँ, ये थोड़ा रफ है। मिस एलिस, मैं ये नहीं करना चाहती हूँ, बस मुझे ए ग्रेड दे दो। इससे नहीं होगा, अपनी सीट पर बैठ जाओ। तुम यहाँ पर पहुँची कैसे? कैसे कैसे, मैंने टेलीपोर्ट किया। तुम कौन हो? मैं नई स्टूडेंट हूँ किटी, और स्कूल के लिए ही अर्थ पे आई हूँ। हम मार्स से वापस आ गए हैं, और मैं एक अल्ट्रा रिच हूँ। अल्ट्रा रिच का क्या मतलब? मैं गीगा रिच हूँ। रुको, क्या तुम उससे ज्यादा रिच हो? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सब लोग अपनी सीट पर बैठ जाओ और अपना असाइनमेंट पूरा करो। असाइनमेंट? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। तो मैं अपने असिस्टेंट की मदद ले लूंगी। गुड डे मिस किटी, आज क्रेजी लैंड में तापमात्रा 86 डिग्री फारेनहाइट है। आसमान साफ और धूप मिलेगी, बारिश नहीं होगी और ट्रैफिक लेवल 5 है। क्या? तुम्हारे पास एक पर्सनल असिस्टेंट है? और ये एक होलोग्राम है। क्या बड़ी बात है ये। अरे, अब तो जाना पड़ेगा। ओ नहीं, अब मैं यहाँ सबसे रिच नहीं हूँ। मिलते हैं एरियल। बाय बाय पुअर गर्ल, उम्मीद है तुम्हारा दलिया आज बकवास नहीं होगा। हाँ, और उम्मीद है कि तुम्हारे डॉलर्स सिकुड़े हुए नहीं होंगे। हट जाओ, मेरा बॉडीगार्ड मुझे मेरी कार तक ले जा रहा है। और तुम्हारी कार कहाँ पर है? क्या तुमने देखा है कि मैं स्पोर्ट्स कार चलाती हूँ? सॉरी, वो मैंने कहा सॉरी, प्लीज माफ कर दो। ओए, तुम इस गन को लगभग कुचल नहीं वाली थी। नहीं, प्लीज नहीं, सॉरी। मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, और मैंने सॉरी भी बोला, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। ताकि तुम्हें सबक मिले, इससे तुम्हें अमीरों से उलझने का सबक मिलेगा। तुमने ऐसा क्यों किया? उसके पास सिर्फ यही एक साइकिल थी, और मेरे पास दूसरा कोई बॉडीगार्ड नहीं है। ओहो, उसे परेशान करना बंद करो। ओ देखो, अल्ट्रा रिच गर्ल गरीबों की रक्षा करने आई है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास शानदार कार है, तुम लोगों को धमका नहीं सकती हो। चलो पहले तुम्हारी शानदार कार देखते हैं। मेरे पास कार नहीं है। कोई कार नहीं? क्या तुमने सुना, मनी बैग्स के पास कोई कार नहीं है। मेरे पास एक अलग चीज है। Oh my God. तो अब बताओ कि लूजर कौन है हूँ। अच्छा ये बताओ, किसी को लिफ्ट चाहिए क्या? नो थैंक्स, मुझे प्लेन में उल्टी आती है। हाँ ठीक है, तो फिर मिलते हैं। वाओ, उसने ये कैसे किया? हाँ। मैं तुम सबको देख लूंगी चुड़ैलो। ईवा, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगी। सच में? बिल्कुल, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। और ये एक सेकेंड। एरियल, तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम बिल्कुल भी रिच बिहेव नहीं करती हो। आना चाहोगी? हाँ। वाओ, मुझे अच्छा लगेगा। बैठ जाओ यहाँ। फाइनली आज ईवा अपनी एक दोस्त को घर लेकर आई है। मम्मी शांत, तुम तो मेहमान को डरा ही दोगी बिल्कुल। तुम्हारी माँ बहुत मजेदार है। हाँ, वो तो मैं हूँ यंग लेडी। क्या तुम ये पीना पसंद करोगी? ये है बैग वाली चाय। आपका मतलब बैग में चाय? अरे नहीं, ये चाय तो मैंने कागज का बैग से बनाई है। रिलैक्स यार, मम्मी सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रही है। पता है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। कुकीज ट्राई करो। मैं ये ट्राई नहीं करूंगी, ये दांत तोड़ देंगे। एरियल, मुझे वैसे भी आदत हो गई है, कोई भी हम गरीबों की परवाह बिल्कुल नहीं करता है। मुझे परवाह नहीं तुम्हारे पास कितना पैसा है, मैंने वही किया जो सही था।
हुरे! और अब मुझे एक नई दोस्त मिल गई। तुम सच में बहुत दयालु हो। ग्वेन से अलग, वो इतनी बिगड़ैल है, वो हमें इंसान ही नहीं समझती है। और किटी नई लड़की बहुत अच्छी है। भले ही वो अल्ट्रा रिच है। मैंने ना अपने तालाब से वीट निकाली, तुम्हारे लिए चाहिए? नहीं 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 थैंक्स माँ, पेट भरा है। और तेज करो। और तेज नहीं कर सकता, मेरे हाथ टूटने वाले हैं। हे, डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? क्या तू शायद डिस्टर्ब कर रही हो हम सबको? हम सिक्योरिटी बुलाएंगे। चुप हो जाओ। ओह बढ़िया। हे, तुम फिर से आ गई, तुम मेरा व्यू ब्लॉक कर रही हो। मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ये सीट खरीदी है। मुझे दिखाओ। कोई और सवाल है क्या? उस पंख को यहाँ से हटाओ, मुझे मूवी देखने में दिक्कत हो रही है। अपने बाल मेरे सामने से हटाओ। तुम डिस्टर्ब करना बंद कर सकती हो कि नहीं? किटी, अगर तुम अभी नहीं हटी तो मैं तुम्हारे सारे बाल नोच लूंगी। मुझे अकेला छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ तुमने किया है, तुम मुझे स्कूल में सबसे रिच बनने से रोक रही हो। क्या क्या वो फिर से टेलीपोर्ट हो गई है? चलाओ। और तुमने कहा कुकीज ठीक ठाक है, लेकिन ये बढ़िया है। हाँ, तुम्हें कुकीज पसंद नहीं है, ये तुम्हारे दांत तोड़ रही है। मुझे प्यास लगी है। एक सेकेंड। ये बहुत टेस्टी है। ये क्या है? डॉलर जूस, देखो इसे अभी प्रिंट किया है। ये हमारे स्कूल की नई लड़की नहीं है? मिस किटी, क्या हुआ है? मुझे थेरेपिस्ट की जरूरत है, तुरंत। एक थेरेपिस्ट? ठीक है, करती हूँ। आज मैं आपकी थेरेपिस्ट हूँ। थेरेपिस्ट? देखो, क्या उसे कुछ हुआ है क्या? मैं यहाँ और पे बच्चों के साथ दोस्ती नहीं कर पा रही हूँ। मैं समझ गई, क्योंकि मैं बहुत रिच हूँ, वो मुझसे जलते हैं, नफरत करते हैं। आपके साथ ये गलत हुआ। कल मेरा बर्थडे है और मुझे अपने नए क्लासमेट्स के साथ सेलिब्रेट करना है। बर्थडे है? तो आपको किसने रोका है? मुझे पता है कोई नहीं आएगा, इसीलिए मुझे अपना अल्ट्रा रिच दोस्तों के साथ ही पार्टी करनी होगी। और मैं क्या करूं? बेचारी, उसे सिर्फ फ्रेंड्स चाहिए। हाँ, और उसके बर्थडे पर कोई आए। मुझे आइडिया आया है, हम किटी को सरप्राइज देंगे। बिल्कुल, उस डॉलर जूस को पीती रहो, तुम्हारा दिमाग अच्छा काम कर रहा है। ये अल्ट्रा रिच किटी मुझे पागल कर रही है। अब मैं पूरे क्लास में रिच नहीं हूँ बल्कि वो है। अर्जुन, मिस विंस स्ट्रेस में हमें बैकअप की जरूरत है। मुझे तो टारगेट हथियारों के साथ है, टारगेट हथियारों के साथ है। यहाँ पर किसने मसाज का ऑर्डर दिया है? मसाज? हमने बैकअप के लिए कहा था, मसाज के लिए नहीं। तुमने कहा कि मिस ग्वेन स्ट्रेस में है, तो मैं आ गई। हाँ हाँ, बस एक मिनट, अब तुम यहाँ पर बैठ जाओ। अब देखना, तुम अभी बेहतर फील करने लग जाओगी। उफ, फाइनली वो शांत हो रही है। बाहर निकलो। क्या किसी को थेरेपी की जरूरत है यहाँ? मैं हूँ थेरेपिस्ट। उसे चाहिए। ओ, कोई बात नहीं, आप पुराना माने तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं। क्या तुम होलोग्राम में बदल सकती हो? नहीं। तो फिर यहाँ से चली जाओ। वो कर क्या रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन वो शहर का सबसे बेस्ट साइकाइट्रिस्ट है। मैं तुम्हारे साथ कुछ काला देख पा रहा हूँ। हाँ, ये जो तुम्हारे हाथ पे है वही।
मैंने देख लिया, मैंने तुम्हारे पीछे काला साया देखा। क्या? सलाखे, मुझे सलाखे भी दिखी। तुझे सलाखे दिख रही है कि नहीं? चल निकल यहाँ से। मेरी तंत्र विद्या तुझे छोड़ेगी नहीं। मिस गन, आप ठीक तो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या किटी सारी क्लासमेट को अपने बर्थडे पार्टी पे बुला रही है? मुझे मुझे उस पार्टी में जाना है और उस पार्टी में जाकर उन सभी से बदला लेना है। समझ गए तुम सब? समझ गए। इतनी अच्छी बर्थडे पार्टी के लिए सबको थैंक्स। हाँ ऐसा है कुछ। क्या मैं नेक्स्ट जा सकती हूँ? ठीक है तो आंखें बंद कर पहले। तुम स्कूल के लिए अर्थ को कैसे चुन सकती हो? ये बहुत आउटडेटेड है। प्यारी समझ गई। क्यों सुनती हो किटी? पृथ्वी ना काफी बढ़िया है। ये प्लान ही गरीबों का है। स्वीट हार्ट, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। ओ टेलीस्कोप, मुझे इसकी क्या जरूरत है? आओ थोड़ा खिड़की के पास आओ। जरूर। वाह, ये कौन सा प्लैनेट है? वो तुम्हारा प्लैनेट है और जानती हो उसका नाम क्या है? किटी का प्लैनेट। देखा, तुम्हारे पृथ्वी के दोस्त तुम्हें इस तरह के गिफ्ट नहीं देते होंगे। नहीं, वो भी बहुत अच्छे हैं और मैं अभी उनके साथ वहाँ सेलिब्रेट करने जा रही हूँ। कोई भी नहीं आ रहा है, वो तुम्हारे बंदर से डरते हैं। हे, तुम सबको क्या हो गया है? चलो मेरे साथ, हम अकेले बात करते हैं। जरूर, बहुत टाइम है अपने पास। चले गए वो लोग। नेट, तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे बस ये कहना था कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि अल्ट्रा रिच गधे क्या सोचते हैं। लेकिन तुम भी उन अल्ट्रा रिच में से हो। वो तो तुमने सही कहा, मगर मैं उन जैसा नहीं हूँ। मुझे जानना है कि आम लोगों की जिंदगी कैसी होती है। भले ही वो तुमसे पुअर हो। अब भला पैसों का क्या है? कोई गरीब भी चाहे ना तो आराम से अमीर बन सकता है। पर तुम्हें मुझे ये पर्सनली बताने की क्या जरूरत है? उनके सामने कैसे बताता? क्या यही कि मैं तुम्हें बहुत? किटी, तुम क्या कर रहे हो? तुम अकेले लड़के हो जो ये कहने से नहीं डरता जो वो फील करता है। तो क्या तुम मेरे साथ अर्थ पे चलोगे? अरे बिल्कुल चलते हैं ना। तो बताओ कब जाना चाहिए? मैं अपने क्लासमेट्स के लिए एक पार्टी दे रही हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो आएंगे? क्या पता, लेकिन उम्मीद है। तो चलो फिर चलते हैं ना। समझ नहीं आता कि हम यहाँ पर आकर कर क्या रहे हैं। मिस गवन, हमने इतना बड़ा केक क्यों मंगवाया? किटी को सरप्राइज देने के लिए बेवकूफ। लेकिन आप तो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। यही मेरे सुपर अल्ट्रा स्किन प्लान की खूबसूरती है। क्या प्लान ये है कि हम इस केक को लेकर जाएंगे, वो इस शानदार केक को देखकर दंग रह जाएगी। अभी भी समझ नहीं आ रहा इसमें हमारे लिए क्या है। किटी केक को देखकर उसके पास आएगी और कहेगी, वाओ कितना कूल केक है। वो इसे सूंघने के लिए पास आएगी और सूंघने के लिए जाएगी, तभी केक उसी टाइम पे फट जाएगा और उसे सिर से पैर तक ढक देगा। क्या आपको लगता है आपको करना चाहिए? हाँ, मैं सबके सामने पार्टी में उसकी इंसल्ट होते हुए देखना चाहती हूँ। अबे तुझे सलाखे दिख रही है कि नहीं? चल निकल यहाँ से। चुप हो जाओ, जैसा मैंने कहा है बस वैसा करो। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। लेकिन तुमने कहा था तुम्हें कुछ भी नहीं करना आता है। मुझे कुछ चीजें आती हैं। मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। एरियल, तुम जीनियस हो। उम्मीद है किटी को हमारा सरप्राइज पसंद आएगा। शायद हमें नॉर्मल गुब्बारे ही लगाने चाहिए थे, वो अल्ट्रा रिच है, उसे कार्डबोर्ड क्यों पसंद आएगा वैसे? किटी अच्छी है और समझ जाएगी कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो दिखाता है कि हम लोग कौन हैं। हाँ, कार्डबोर्ड और कैश, बहुत बढ़िया। बहुत बुरा है कि यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं। काश हम किटी के लिए एक बड़ी पार्टी थ्रो कर पाते। क्या बड़ी बात है, क्लासमेट्स को बुला लो। हाँ सच में। हेलो,
वो नहीं आ रहे। वो जरूर आएंगे, मैं जानता हूँ कि वो जरूर आएंगे। किती? वो मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं अल्ट्रा रिच हूँ। अब वो भला तुमसे नफरत कैसे कर सकते हैं? मुझे पता है कि उन्होंने तुम्हारे जैसे गैजेट नहीं देखे होंगे। अपना मुंह बंद करो नेट। अरे स्वादी इतना बढ़िया रोक ही नहीं पाया। बस करो, काश कोई मुझे विश करता। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? आज मेरा बर्थडे है और कोई भी नहीं आया। ठीक है, एक सेकंड। हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं, ये बेकार है। कोई नहीं आएगा। तुम चिंता क्यों करती हो? नेट, यहाँ कुछ नहीं है। कोई आया है? जरा मेरे लिए रुको। हाँ, हमने तुम्हारे लिए कार्डबोर्ड गुब्बारे बनाए हैं पुअर स्टाइल में, लेकिन तुमने कहा था तुम्हें कुछ भी नहीं करना आता और इन्हें डॉलर से सजाया है रिच स्टाइल में। ये बहुत प्यारा है, इससे पहले कभी किसी ने मुझे सरप्राइज नहीं दिया। और अब तुम्हारे पास फ्रेंड्स हैं। और हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं, स्पेशली तुम्हारे बर्थडे पर। देखा ना तुमने किटी, मैंने उनसे पहले ही बोला था ना, वो जरूर आएंगे, उन्हें आना ही पड़ेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सब मेरी जिंदगी में हो। हाँ, अब चलो करते हैं पार्टी। क्या शानदार पार्टी है, अब तक की सबसे बेस्ट पार्टी है। क्या तुम किसी पार्टी में गई हो? नहीं, इसलिए ये पक्का बेस्ट है। सुनो, मैं तुम सबको एक बहुत ही मजेदार चीज दिखाने वाली हूँ। मैं बहुत शानदार दिखने वाली हूँ, तुम सब पागल हो जाओगे। ये वाकई खूबसूरत है किटी। वैसे अल्ट्रा रिच होना कमाल की बात होगी। ये बहुत मुश्किल है, पुअर लोग मुझसे बहुत बचते हैं या दिखावा करते हैं, कुछ पाने के लिए दोस्ती का दिखावा है। ये तो है। किटी, हमें परवाह नहीं कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। तुम बहुत स्वीट और काइंड हो, तुम हमारे लिए ग्वेन से भी भिड़ गई। अच्छा हुआ कि वो बेवकूफ नहीं आई। क्या किसी ने बेवकूफ कहा? ये क्या कर रही हो, इसे किसी ने नहीं बुलाया। एक्चुअली किटी ने सबको इनवाइट किया था इंस्टाग्राम पर। ओ, लगता है तुम्हारे आईफोन 12 को मैसेज नहीं मिला। तुम यहाँ पर क्यों हो? क्यों, तुम्हें विश करने के लिए। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ये शानदार केक बनवाया है इन रिच हाथों से। ठीक है, थैंक्स, लेकिन अब इस केक के साथ बहुत भीड़ हो चुकी है, तो चलो हम पार्टी कहीं बाहर करते हैं। हे रुको, केक तो ले लो। वो किटी केक के लिए क्यों नहीं आ रही है? ये केक उसके चेहरे पर होना चाहिए। वो बिजी है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस कर रही हैं। ठीक है, इसे खत्म करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, का क्या करें? वो मैं बाद में देख लूंगी। हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मेहमान तो आए हुए हैं। जाओ केक काटो और डांस करो। डांस करोगे? अबे मैं तो सिर्फ और सिर्फ किटी के साथ में डांस करूंगा। रुको तो। इसके साथ तो मैं डांस कर रही हूँ, जाओ किसी और को ढूंढो। मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, मुझे तो केक चाहिए। तो जाओ काटो, मुझसे क्या चाहती हो तुम? ग्वेन क्या कर रही है? पता नहीं, शायद वो नेट को चुराने की कोशिश कर रही है। वो उन्हें सच में बिल्कुल अलग कर रही है। किटी, केक मुझे तुम्हारा केक नहीं चाहिए, छोड़ दो। लेकिन केक तो खा लो। नहीं। देखो ग्वेन उसे केक खाने के लिए कैसे खींच रही है, शायद इसमें कुछ गड़बड़ है। एवा, तुम कहाँ चली गई? ये बहुत टेस्टी है, मेरी पुअर माँ कभी भी ऐसा नहीं बनाती। मुझे लगता है नेट को चुराने की
की मुझसे कोशिश कर रही है। और मुझे लगता है कि तुम अब भी मेरा रिस्पेक्ट नहीं करती हो और मेरा केक नहीं खाओगी। ये सब क्या कर रही हो, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है ओए, मैं तो बस केक चखना चाहती थी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। ये क्या, मैंने कुछ नहीं किया। तुम चाहती थी कि मैं आऊं, केक काटे और मैं उसमें लिपट जाऊं, है ना? कम ऑन, ये तो बस एक मजाक था बस। मुझे लगा तुम बदल गई हो ग्वेन, पर तुम तो मुझसे बदला लेने आई थी। इंटरकनेक्टेड पुलिस, जल्दी आज पे रिपोर्ट करो। हे वही, रुक जाओ तुम। वही रुक जा छोरी, अपने हाथ ऊपर करो। चल अब तू कथक और भांगड़ा एक साथ करके दिखा। हे रुको, ये क्या गड़बड़ है, मैं यहाँ क्राइम को डील कर रही हूँ। क्राइम को डील कर रही हूँ? हमें पहले कभी अर्थ पर नहीं बुलाया गया। हमें लगा तुमने पार्टी में बुलाया है। नहीं बेवकूफ, इसे अरेस्ट करो। उसको कहाँ चली मेरी चलती फिरती कोकेन? इसने क्या किया, मुझ पर केक लगाने की कोशिश की। इतनी सी बात के लिए हमें बुला लिया? अर्थ के पुलिस वाले कम पड़ गए थे। बस इसे ले जाओ प्लीज। सॉरी, अगर तुमने इसे अरेस्ट नहीं किया तो मैं अपने पापा को बुला लूंगी। तुम लोग जानते भी हो मेरे डैड कौन है। वाह क्या शक्ल है, वैसे ये साबुन कौन सा लगाता है? मिस, स्पेस के लोज तोड़ने के लिए आपको अरेस्ट किया जाता है, चलिए। ओ किटी, मैं तुम्हें देख लूंगी। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी जेल मार्स पर है। क्या कहा, मार्स? अरे हाँ सही कहा। क्या, नहीं। तो फिर चलो, अब पार्टी करने का वक्त आ चुका है। तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं लगता कि ग्वेन को केक के मजाक के लिए मार्स पर भेजना बहुत ज्यादा लग रहा है यार, ये सच में। सही कहा तुमने, हमें ग्वेन को चेक करना होगा, वो वहाँ दुखी और बहुत अकेली होगी। हाँ बिल्कुल, हाँ वो बुरी है लेकिन किसी दूसरे प्लेनेट पर फंसने के लायक नहीं है। चलो किटी का टेलीपोर्ट उधार लेते हैं। बिल्कुल। एरियल, कुछ देखा? नहीं, लेकिन टेलीपोर्ट यहीं कहीं होना चाहिए। हे, तुम्हें ये वॉकी टॉकी कहाँ से मिला? मेरे पास पैसे हैं बेवकूफ। ओ हाँ, कॉपी दैट। वाह वाह, देखो मैं क्या कर सकती हूँ। कॉपी कैट, बड़ी बात, मैं बेटर कर सकती हूँ। अबे दिमाग खराब हो गया तेरा? किटी यार, तुम इन लोगों को देखना, ये बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं। गरीबी, गरीबी बहुत परेशान करती है। चलो छोड़ो, अब हम डांस करते हैं। उम्मीद है कि हम सस्पेक्ट नहीं लग रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, हम असली जासूस हैं। ईवा देखो, मुझे मिल गया। उसे यहाँ लाओ। मजा आ गया। ईवा और एरियल कहाँ पर हैं? बंदर बनने का नाटक शायद, किसे पता, मुझे तो कभी कभी इंसान समझ ही नहीं आते। हाँ ईवा, हमें मिल गया। बढ़िया एरियल, हम इसका यूज करेंगे और फिर इसे वापस कर देंगे, किटी को पता भी नहीं चलेगा। ये बाकी लोग कहीं पर गायब हो गए? पता नहीं क्या, वो निकल गए। रुको, मेरा टेलीपोर्ट रिमोट कहाँ है? लड़कियों, तुम यहाँ कैसे आई हो? हम तुम्हारा हालचाल जाने आए हैं। लेकिन क्यों? मुझे लगा तुम लोग मुझसे नफरत करते हो। हम तुमसे नफरत नहीं करते, हमें बस तुम्हारा बिहेवियर पसंद नहीं है। तुम किटी के साथ बहुत बुरा बिहेव करती हो, लेकिन 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 हमें लगता है एक हार्मलेस केक प्रैंक के लिए तुम्हें मार्स प्लेनेट पर भेजना बहुत ही ज्यादा हो गया। क्या तुम सच में मेरी साइड में हो? नहीं, पूरी तरह नहीं। हमें ये लगता है
कि तुम्हारी सजा बहुत ही ज्यादा है। आने के लिए थैंक्स। मुझे इतने टाइम में फील हो गया है कि मैं कितनी गलत थी तुम लोगों के लिए। ईवा और मैं हमेशा सही के लिए खड़े होते हैं। इतनी बेवकूफी के लिए सॉरी। मैं भले ही गीगा रिच हूँ लेकिन मेरे कभी दोस्त नहीं रहे हैं, कभी भी नहीं, लेकिन तुम लोगों के हैं। ग्वेन, वैसे फ्रेंड्स पैसों से नहीं मिलते हैं, वो काइंडनेस से मिलते हैं। अब मुझे समझ आ गया है, सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने बिहेवियर के लिए। किटी जब आई तो मैंने उसके साथ कैसा बिहेव किया, सब उसकी ओर हो गए थे बिल्कुल। तो तुम चाहते थे कि सब फिर से तुम पर फोकस करें? हाँ बिल्कुल। ग्वेन, तुम्हें इससे सबक लेना चाहिए। अगर तुम फ्रेंड्स चाहती हो तो ईवा और मैं तुम्हारे साथ हो सकते हैं। सच में? सच में, लेकिन बेवकूफ दीवा की तरह बिल्कुल भी हिम्मत करना। मैं प्रॉमिस करती हूँ फ्रेंड्स। क्या हम इसे निकालना चाहिए? हाँ ग्वेन, हम जल्दी ही वापस आएंगे। प्यू 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 माई हेलो। तुम कौन हो? हमारे यहाँ कोई पुअर लोग नहीं रहते। hey, हम पुअर नहीं है। अपनी बात बोलो। हम एक्चुअली यहाँ आए हैं। वो अपने हथियार नीचे रखो, हमें हेल्प चाहिए थी। तो किस तरह की हेल्प? प्लीज हमारी फ्रेंड ग्वेन को जेल से बाहर निकालो। हाँ ऐसा ही होगा। सच कहूँ तो मैं उसे बहुत पहले ही जाने देती, लेकिन मिस किटी के पापा हम सबको नौकरी से निकाल देंगे, तो मैं तुम्हारी फ्रेंड्स को बाहर नहीं जाने दूंगी, सोचना भी मत। क्या ख्याल है? हाँ क्या तुम सीरियस हो? वाओ, ये तो बहुत सारा पैसा है। तुम सच में समझी नहीं, हम सब यहाँ अल्ट्रा रिच हैं, हमें तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। ओह हाँ। तो क्या चाहती हो? एनर्जी? यहाँ बहुत कम एनर्जी है, क्या तुम्हारे पास है? एक्चुअली हाँ, ये लो। तुम उसे क्या दे रही हो? उसके दांत टूट सकते हैं। उसे ट्राई करने दो, ये हम पर गुस्सा हो जाएगी। वाओ, मैं एनर्जी से भर गई हूँ। वाओ, मजा आ गया। ये कमाल है। क्या और कुकीज हैं? जरूर, लेकिन क्या तुम हमारे फ्रेंड्स को जाने दोगी? हाँ बिल्कुल, जरूर ले जाओ। ये क्या हो रहा है? तुम आजाद हो ग्वेन। क्या, लेकिन कैसे? अब तुम यहाँ से जा सकते हो, जाओ और मजे करो। और ये लो। मैं फाइनली आजाद हो गई हूँ। थैंक यू सो मच, मुझे भरोसा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चले, हमें टेलीप्रॉम्प्टर ढूंढना है और अर्थ वापस जाना है। ओह चलो चलो चलो। किटी, तुम भी यही हो, तुम वापस आ गई। किसी ने मेरा रिमोट ना चुराया होता तो मैं यहाँ पहले ही आ जाती। हमें स्पेसशिप लेकर यहाँ आना पड़ा, पता कितना ट्रैफिक होता है। सॉरी किटी, तुम्हारा टेलीपोर्टर हमने उधार लिया है, वो हम इसे लौटाने वाले थे। देखो मैं नाराज नहीं हूँ, पर तुमने गैन को क्यों निकाला है? वो किटी का बर्थडे बर्बाद करे, हम निकाले भी नहीं। हम जानते हैं जो भी हुआ ये सही नहीं था, लेकिन हमें ग्वेन के लिए बहुत बुरा लगा। ये मार्स प्लेनेट पर बिल्कुल अकेली है। मुझे माफ कर दो किटी, मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितनी गलत थी। ठीक है, मैं नाराज नहीं हूँ, पर दोबारा ऐसा मत करना। फिर कभी नहीं, मैंने सीख लिया है कि जलन करना गलत है बिल्कुल। हमें बहुत खुशी है कि हमने दोस्ती कर ली। तो किटी, तुम ग्वेन से नाराज नहीं हो? नहीं। तो ये बहुत बढ़िया है, चलो फिर घर चलते हैं। लेकिन रुको, अभी नहीं, फाइनली तुम सब एक साथ हो। हाँ? पकड़ो इन्हें। दरवाजे के पास रहना। समझ गया मिस। क्या तुम बताओगी कि हम यहाँ क्यों बंद हैं? मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए सब्जेक्ट की तलाश बहुत पहले से थी। लेकिन हम चूहे नहीं हैं, इंसान हैं। अब क्या करें मेरी जान, हम लोग की बातें को चला गए। क्या तुम हम पर एक्सपेरिमेंट करने वाली हो? क्या करूं आखिर, अब मैं बोर हो चुकी हूं, सब कुछ ट्राई जो कर लिया है मैंने। हाँ बिल्कुल सही कहा, अल्ट्रा रिच होने के फायदे कुछ अलग होते हैं। ये तुम हमेशा तोते की तरह हाँ में हाँ क्यों करते हो? हाँ।
शांत रहो तुम भिखारी कहीं की, नहीं तो सबसे पहली बारी तुम्हारी होने वाली है। भिखारी, हमें लगा कि तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन हम सच में गलत थे। तो तुम हमेशा दिखावा कर रही थी। मैं तुम्हारे चेहरे पर केक फोड़ना चाहती थी, ये बिल्कुल सही था। बस बहुत हुआ रोना धोना, अब खत्म होने का वक्त आ गया है। तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? हमारे पास टाइम नहीं है, किटी से शूट करो। नहीं रुको, तैयार हो मेरे छोटे चूहे? उन्हें क्या हो रहा है? इंसान है। लगता है वो खुद ही चूहे बन गए हैं। उन्हें सही सजा मिली, लेकिन अब हम बाहर कैसे निकले? ये देखो, लेजर ने छेद बना दिया है। चलो जल्दी। तो देखो, प्लान ऐसा है ना कि हम वहाँ से जाएंगे और डॉलर आइसक्रीम अभी भी बेस्ट है। नहीं, गोल्ड आइसक्रीम। गुड डे लेडीज। तुमने ये क्या पहना है ईवा? मैं ईवा नहीं हूँ, मैं मैडम डचेस हूँ, शहर की सेलिब्रिटी। चूहों में इंटरेस्ट है? बीपी, गंदी लड़कियाँ। बीपी, मुझे ठंडा चाना है बीपी। हमें वो चूहे नहीं चाहिए, फ्री में भी नहीं। क्या हो रहा है, क्या हम देख सकते हैं? ओ वाव, सबसे अमीर चूहियाँ। इन्हें ले लो फ्री। नहीं कोई बात नहीं, तुम ही इन्हें रखो। मैं तुम सबसे बदला लूंगी, मैं इंसान बनूंगी और तुम सबसे बदला लेने वाली हूँ। बी बी बी। तुम अपना बदला जरूर लोगे किटी, ये वादा है तुमसे। बी बी बी। हेलो सभी को। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे पास रिच, गीगा रिच और पुअर ही नहीं बल्कि अल्ट्रा रिच भी है ना? मैंने बहुत सारे रोल किए। किटी पूरी तरह से हद तक रिच कर गई, सच में स्पेस के अमीर। और हमें बताओ, आपको आउटफिट्स के बारे में क्या लगता है? शायद आपको बॉडीगार्ड का लुक अच्छा लगता हो या कोई और अच्छा लगता हो कैमरामैन का? वो सूट्स कमेंट करके बताना है, आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि आप इस बंदे को नहीं जानते, ये हैरी नहीं है। मैंने बहुत सारे रोल किए यार, मेरे हिसाब से अगर मैं गिनना चाहूँ तो 1, 2, 3, 4, 4 हाँ 4। आप लोग कमेंट करके बताना कितने रोल किए और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। और फाइनली दोस्तों, आज क्रिस्टी एक टीनेजर के रूप में थी। ये आज का ये जो है ये व्लॉग नहीं है, लेकिन इससे पहले कि आप जाने कि ये किस तरह का है, लाइक करना मत भूलना, घंटा बजा देना, सब्सक्राइब करना, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अपने यूट्यूब को डिलीट कर सकते हो। हाँ, कमेंट को सब्सक्राइब करो और लाइक करो हमारी वीडियो को। नहीं नहीं, मेरा नहीं, नहीं, मतलब, नहीं, मेरा मतलब था चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक घंटा दोनों दबा दो। देखो मैंने आपको सब्सक्राइब करने को कहा, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जैसा कि हमने कहा है आपको, सब कुछ कर लो, घंटा दबाओ। आप सभी गुड लुकिंग हो, ऑसम हो, आप सब जानते हो। तो फिर टाइलर आपको बताएगा कि हम आज क्या करने वाले, पूरी सूची हमारे पास है। ये बिना बात के यहाँ रखे हुए कप जिन्हें हम देखने नहीं वाले। कप्स? वैसे मैं बता दूं कि ये कप नहीं है टाइलर। टाइलर, चलो बताओ इसे क्या कहते हैं, बताओ ये क्या कहते हैं? टाइलर की माँ। टाइलर की माँ। चलो बताओ। चलो चलो सही है, कोई बात नहीं, बताओ ना। छोटे कटोरे की बात नहीं है। ये सही नहीं है। हमारे पास रिच कार्ड जैसे वाले कुछ रोल पेपर्स पड़े हुए हैं और हमें उन्हें एक्ट करके दिखाना होगा कि वो क्या है। एग्जाम्पल के लिए जैक कुछ दिखाएगा और बाकी चार लोगों को गेस करना होगा कि वो क्या है। अगर हमने सही गेस किया तो बढ़िया, अगर नहीं किस तरह की? क्या हमारे पास तो हम गेस करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, लेकिन तुम बस अच्छा, अच्छा। मुंह गाय की तरह मुंह कर सकते हो, समझ गए ना तुम? cool. ऐसे इशारे करने हैं। अगर आपने गेस कर लिया तो लाइक करें, नहीं करोगे तो भी कर देना। चलिए काम करते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ कुछ खेलते हैं। पहले हम उन्हें टाइम देंगे और फिर गेस करेंगे उसके बाद ना। ये पहले तेरी बारी, ठीक है? फिर चलो इसमें से एक एक उठाते हैं। ये भी एक बक्से में एक, पर दिखाना मत। हाँ, ये बहुत मुश्किल होगा। स्किबिडी नेशन टॉयलेट। तो अब होगा स्किबिडी डीबिडी वूफ वूफ। यस यस, हाँ यही स्किबिडी। यस यस, हाँ मुझे एक बार सोचने दो। पर हमने जैसे प्रॉमिस किया था
हमारे व्यूअर्स भी हमारे साथ खेल पाएंगे और इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हाँ, तो उनका गेस जो भी होगा वो पता करेंगे। ठीक है, वो बहुत बढ़िया किया तुम। मुझ तक मुझे ढूंढ नहीं पाओगे तो बताओ कि मैं हूँ कौन आखिर में। स्किबिडी खेल खत्म, काम भारी। एक, दो, तीन, चार और पांच, आई थिंक ये है स्किबिडी टॉयलेट। कौन सा वाला, कौन सा वाला? डीप स्किबिडी, डॉप स्किबिडी, यस यस यस, स्किबिडी स्नोब, यस डॉप, यस यस स्नोब, यस गीगारेट, स्किबिडी गीगारेट। बहुत बढ़िया मियां, खेल खत्म हो गया। नेक्स्ट जा सकती हो? हां बिल्कुल। तो आंखें बंद कर, करना क्या चाहती हो? ठीक है चलो मैं आंखें बंद कर लेता हूं। दिखाओ दिखाओ तुमने कमेंट किया है। हां तुम्हारा भाई ला रहा, यो यो तुम्हारा भाई ला रैप, एक रैपर, एक रैपर बोले तो सोचने दो। रुको रुको एक मिनट, जरा सोचने दो मुझे। इसका कुछ फ्रेज होगा, मैंने उसे बोल दिया है पहले। बिल्कुल चेन की तरह खींचना है, जैसे क्लच को खींच रहा हो। रैप प्रपोजल, क्रेजी घर हमेशा तुम्हारे साथ रहे, जैसे तुम सबसे बेहतर थे। दोस्तों 5 सेकंड है आपके पास, कमेंट कमेंट करो, बताओ ये क्या है। 2, 3, 4, 5 हो गया आपका, 1 सेकंड और है तो बताओ क्या है। हाँ, नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा। टाइलर क्या चल रहा है, गैस नहीं कर रही है, आप इसे समझाइए दोस्तों। मम्मी बहता है, आत्मा की शुद्धि चल रही है तुम्हारी, है ना? कोई रोल नहीं है। नॉट अ रोल, कितनी जल्दी बता दिया यार, बहुत बढ़िया मियां। तुम एक रैपर हो, है ना? सही है ना? इमोशन के साथ, इमोशन के साथ, इमोशन के साथ नहीं लेकिन स्टैटिक है फिर भी, है ना? स्टेटस, हां मतलब, तो फिर तो क्या हो, रिच रिच रैपर वाला कुछ तो था। बढ़िया, तुम ग्रेट हो बॉस। चलो जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करो कि जैक और मियां ने कितनी बार एक दूसरे को हाई फाइव किया, शायद 100 बार। और अब मेरी बारी, मैं 3 पर्ची उठाऊंगी। ठीक है, आगे बंद करो टाइलर, चलो। हाँ, मैंने 3 पर्ची उठा ली है। ठीक है ठीक है, चलो आके खोलो, आके खोलो, बताओ। शुरू करो। आराम से बात करके इसको सेटल करते हैं कि हो रहा क्या है, ठीक है? वेल क्रिस्टी, तुम्हें जल्दी पढ़ना होगा। अरे ये पीक है यार। हेस्टला वेस्टा बेबी, हैरी पॉटर। अच्छा ठीक है, उन्हें एक टाइम देते हैं। 5 गैसेस और 5 सेकंड्स है इसके लिए, देखते हैं। 1, 2, 3 4, 5 आप जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? मुझे लगता है ये पुअर, मुझे लगता है कि पुअर नेट। रुको, हमारे पास पुअर रिच हैं। हां हां, पुअर नेट, अच्छा पुअर नेट, पर यूजुअली किससे? होमलेस में से। अच्छा वही एपिसोड था। हां यूजुअली नेट, सही हो। हां लेकिन तुम्हें बेघर होने की जरूरत नहीं है। हां गीगा पुअर, हां गीगा पुअर, गीगा पुअर नेट, वो लोगों पर डोरे डालता है और कहता है हस्ता ला विस्टा बेबी। का मतलब होता है गुड बाय, डरना नहीं बस गुड बाय, इसे पिकअप लाइन कहते हैं। लेकिन मेरी टैलेंट वैसे भी बहुत खराब है, या तो ये स्पैनिश है क्या? पस, 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 ये इतना मुश्किल भी नहीं है। हाई फाइव हो गया क्या? शुरू करें फिर? नहीं कोई बात नहीं, हम भी तुमसे प्यार करते हैं। अच्छा आगे बढ़ो, अब मेरे परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो जाओ। इसने शुरू कर दिया है। मेरी प्यारी, एक मर्मेड, ये पक्का मर्मेड ही है। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1 आपको क्या लगता है कौन है? ये एक मर्मेड है। ये मर्मेड नहीं है। बात उसी की हो रही थी, मर्मेड की बात कर रही थी। हेलो, मर्मेड ही थी और ऐसा लग रहा है कुछ खा रही थी। इसका मुंह भरा हुआ है। नहीं मैंने ये दिखाने के लिए किया कि मैं एक मर्मेड हूँ। उसके बाद ऐसा ही कुछ नहीं था। ये तो बोलता है तो ये पुअर गाय हुआ। नहीं नहीं वो बस एक फ्रेज है और कुछ नहीं, नहीं, नहीं वो भी फ्रेज। आखिर कैसी मर्मेड? दोबारा दिखा सकते हो? रेगुलर मर्मेड या नॉर्मल मर्मेड? मुझे इसे करने दो, बिना बिना पानी के मर्मेड, ऐसा ही कुछ है ना? मेरी प्यारी, क्या तो मुझे लगता है वो लड़की, मतलब भी लड़कियाँ, मतलब कौन सी वाली? आज की शूटिंग में वो लड़की, पता है वो वाकई बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत 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 अच्छी है। तो ग्वेन के बारे में है, एक्ट्रेस, और ग्वेन ही आज हमारे साथ है। ये ग्वेन नहीं है,
तो और कौन सा है? एरियल मरमेड है जो कहती है मेरी प्यारी। एरियल नहीं, ध्यान दो आज नहीं? कौन है तो मरमेड कौन है? आलिस? हमारी आज की क्लिप में सबसे नया कौन था? वो किटी। हाँ वो कौन है? अल्ट्रा मेगा रिच। अल्ट्रा रिच। हाँ वो बहुत बढ़िया। आप टाइलर की बारी खेलो। बदकिस्मती से हमारे पास पेपर्स खत्म हो चुके हैं। हमारे पास अब भी पेपर है तो खेलना ही पड़ेगा, समझे? चलो ओके भाई, ओके ओके चलो करते हैं। अगर बुरा हो तो मेरी गलती नहीं है? ये तो बिल्कुल बुरा हो जाएगा। क्रिस, मैं तेरा बाप हूँ। वैसे कोई भी एक्टर इसे प्ले कर सकता है, आराम से कोई भी कर लेगा। सही कह रहा हूँ ना? कोई भी कर सकता है। पांच सेकंड्स, पांच, चार, तो मतलब वैसे तुम हो कौन आखिर? दो। तुम नर्वस भी लग रहे हो, क्या बात है? बोलिए ना। हाँ ये सच में गरीबी जैसा दिखता है। तो बात ये है, मैंने स्टार्ट में कहा था वो कौन है पर मुझे खुद नहीं पता। पुअर क्रिस। बस इतना ही था, मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आया। मैंने नाम ब्रैकेट में बोला क्रिस, क्रिस कोमा मैं तुम्हारा बाप, तो ये एक्चुअली नाम हाँ, है। लेकिन इसकी जगह तुम और भी कोई भी नाम यूज कर सकते थे। जैसे कि मैंने इसके बारे में कुछ सोचा था पहले? जो भी हो यार, तुमने बहुत बढ़िया किया। मैंने वही किया जैसे मैंने सोचा और कर दिया। देखो मेरे पास एक आइडिया है कि हम सभी मिलकर शाउट आउट बोल के कहते हैं कि इसमें क्या लिखा है। चलो देखते हैं, पढ़ो सब बोलेंगे, सब एक साथ ही बोलेंगे तो अच्छे से देख लो। इसे यहाँ रखते हैं, चलो स्किप करते हैं यार, हटाओ इसे, ये सब छोड़ो यार, दिमाग खराब करने वाला गेम है और कुछ नहीं। शुरू करते हैं फिर। और मैं बहुत पसंद करता हूँ पैट्रिक। तो क्या फिर तुम रेडी हो बच्चों? हाँ, अभी प्रैक्टिस के लिए। आई आई कैप्टन। और अब आपका काम है कमेंट में बताना कि हम किसकी बात करते हैं और कितना अमीर वो है। ये शायद आपको नॉर्मल था या शायद पुअर था, हो सकता है गरीब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप कमेंट करो, पता चलेगा। पाम 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 पाम। ये तो एक पूरा हिंट है। रिवील होने से पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटा भी दबा दें और देखिए हमारे ये मेरे तालाब की सीवीड है, खाओगे तुम लोग? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, 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 नहीं। थैंक्स माँ, पेट भरा हुआ है। मैं भी नहीं खाऊंगी। तुम हम पर एक्सपेरिमेंट करने वाली हो?